हरवेन लेट डिस्कस प्रोजेक्ट चीता रिइंट्रोडक्शन अभी हाल ही में नामीबिया से भारत आठ अफ्रीकी चीते लाए गए इन आठ अफ्रीकी चीतों में से पांच मादा चीते तथा तीन नर चीते और इनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया गया है जबकि उन्नीस में देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई थी जो मध्य प्रदेश है पहले हम इसको टाइगर स्टेट भी बोलते थे लेपर्ड स्टेट भी बोलते थे लेकिन अब इसे हम चीता स्टेट भी बोलेंगे ठीक अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं देखो क्या है इंडिया हैज रिसीव्ड एट चीताज फ्रॉम नामीबिया अफ्रीका एज पर एग्रीमेंट इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड हैज लॉन्च री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट ये जो नामीव्या से आए हैं ये नामीव्या की राजधानी विंडहॉक के होशिया को हवाई अड्डे से उड़ान भर के पहले ये ग्वालियर पहुंचे थे और ग्वालियर से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क लाए गए और पहली बार हवाई जहाज से चीतों को एक देश से दूसरे देश में लाया गया है इनमें से ये हमने देख लिया कि पांच फीमेल चीते हैं और तीन मेल चीता है एंड विल बी रिलीज इन ये रिलीज किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अब रिलीज हो चुके हैं This is the first time in the world that a large carnivore will be relocated from one continent to another continent। अच्छा यदि चीता के बारे में बात करें चीता इज नोन एज प्लैनेट्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड चीता इज ऑल्सो द लीस्ट डेंजरस बिग कैट सबसे कम खतरनाक होता है अब अब तक केवल ओनली इकहत्तर सौ चीता लेफ्ट इन द वर्ल्ड वाइल्ड ने इनको आई यू सी एन की रेड लिस्ट में वर्ल्ड कैटेगरी में रखा गया है अच्छा दे गोट कम्प्लीट एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड हैविटेड लॉस एंड डिग्लेयर एक्सटेंड इन इंडिया इन नाइनटीन फिफ्टी टू उन्नीस सौ बावन में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था इंडिया से अच्छा इन अर्ली टू थाउजेंड द सेंटर फॉर सेलोर एंड माइक मोलिकुलर बायोलॉजी सी सी एम बी हैदराबाद प्रपोज द प्लान टू क्लोन एशियाटिक चीता ऑफटेंड फ्रॉम ईरान येट पेंडिंग वो स्टिल अभी पेंडिंग में और सत्तर सालों के बाद द चीता ऑफ चीता इज बिंग डन अंडर प्रोजेक्ट चीता इन इंडिया एज पर गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई की गाइडलाइंस में हुआ है अच्छा ये प्रोजेक्ट चीता क्या है इसको 2008 हजार में तैयार किया गया था प्रिपेयर टू थाउजेंड एट प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड फर्स्ट एवर कंटिनेंट लार्ज वाइल्ड कार्निवल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट अंडरटेकन वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका है कि टू रिस्टेब्लिश द स्पीसीज इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया टू डेवलप ए चीता दैट विल हेल्प इन ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल अच्छा टू डाइवर्सिटी द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अच्छा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चीता फ्राम अफ्रीका इन टू थाउजेंड नौ टू थाउजेंड दो हजार नौ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि अफ्रीका से चीतों को लाया जाए एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इसके प्रोजेक्ट के तहत पचास चीता लाए जाएंगे नेशनल पार्क अगले पांच सालों में और अभी तक आठ लाए चुके हैं सिग्निफिकेंस क्या है एच चीता लेव इन ओपन प्लेन्स री इंट्रोडक्शन प्लान विल हेल्प इन रिस्टोरेशन ऑफ द ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड इकोसिस्टम इन इंडिया कंजर्व बायोडावर्सिटी इनहेंस इकोसिस्टम सर्विस लाइक वाटर सिक्योरिटी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन इन्हेंस लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल्स अच्छा इसको कूनो नेशनल पार्क में क्यों लाया कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का जो है सेलेक्टेड बिकॉज द सुटेबल हैबिटेट एंड एडुकेट प्रीवियस एस्टिमेटेड टू हैव कैपेसिटी टू सस्टेन ट्वेंटी को सस्टेन करने के लिए इसकी कैपेसिटी है लोकेटेड इन द विंध्यन हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द मिडेक्ट ऑफ रिवर कूनो फ्लोज रिच इन डाइवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स एरियाज ऑफ सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप आइडेंटिफाइ री इंट्रोडक्शन साइट फॉर एशियाटिक लाइन बाई वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गिर नेशनल पार्क से गुजरात से यहाँ लॉयंस के री इंट्रोडक्शन के लिए भी बात चली थी ए साइड टू को एग्जिस्ट फोर बिक गेट्स ऑफ इंडिया टाइगर लाइन लियोपोर्ड एंड चीता इन फ्यूचर एज द पास्ट अदर रिकमेंडेड साइट फॉर चीता के लिए अदर रिकमेंडेड साइट मध्य प्रदेश में थी नौरा दे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राजस्थान में सागर बल जैसलमेर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ये अन्य साइट भी थी तो ये अपनी तरह का एक पहला अनूठा मिशन है जिसमें पांच मादा और तीन नर चीतों को बाहर लाया गया है नामी ब्याह राजधानी विंडोक से कस्टमाइज वोइंग सेवन फोर सेवन फोर हंड्रेड एयरक्राफ्ट द्वारा इन चीतों को ग्वालियर लाया गया था वहाँ से इन्हें कुल्लू नेशनल पार्क पहुँचाया गया और इन चीतों को इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चीता कंजर्वेशन फंड सी सी एफ जिसका हेडक्वार्टर नामी ब्याह में जो चीतों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है इसने उपलब्ध कराया है तो इस तरह से चीता भारत में आ चुके हैं सो so, ये था चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग